दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा एमसीडी का बिल्डोजर वापस लौट आया है। भारी हंगामे के बीच एमसीडी की तरफ से वहां सिर्फ खाना पूर्ति की गई। एमसीडी कर्मचारियों ने वहां सिर्फ एक बिल्डिंग के बाहर लगी लोहे की रोड्स को हटवाया जो वहां रिनोवेशन के काम के लिए लगी थी। इसके बाद एमसीडी का बुलडोजर वापस लौट गया। इससे पहले शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर का भारी विरोध देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में भारी हंगामा किया। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के सामने आकर बैठ गए और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने भी एमसीडी के बुलडोजर का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने विरोध कर रही महिलाओं को हिरासत में ले लिया। वहीं विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने बुलडोजर के सामने से हटा भी दिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद बुलडोजर वापस लौट गया। वहीं एमसीडी की कार्रवाई के विरोध के बीच आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शाहीन बाग पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। अमानतुल्ला खान ने कहा कि एमसीडी बताए अतिक्रमण कहां है, इलाके में जो अतिक्रमण था उसे हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग के वर्तमान हालात को देखते हुए सीआरपीएफ की एक अतिरिक्त कंपनी दिल्ली पुलिस के साथ तैनात की गई है। इसमें करीब 100 जवान सीआरपीएफ के शामिल हैं। शाहीन बाग में हंगामे के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। अब देखने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्देश देता है।